व्हाट्सएप पर स्टेटस तो हर कोई डाल सकता है, अगर दम है तो जिंदगी में एक स्टेटस बनाकर दिखाओ। और केवल प्रयास मत करो, जिद करो, क्योंकि अब जिंदगी में प्रयास करने वाला नहीं बल्कि जिद करने वाला सफल होता है। इसीलिए जिद करो और पागलपन दिखाओ। हार ना मानना अपनी माँ से सीखो, क्योंकि जब दवा काम नहीं करती तो वो तुम्हारी नजर उतारती है। मेरे हालातों पर हंस मत, जितनी बार तूने कोशिश भी नहीं करी उससे कई ज्यादा बार मैं हार कर खड़ा हो चुका हूँ। दुनिया में केवल दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए हमेशा उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने का नहीं बल्कि भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि हम किसी पर भरोसा करके ही दिल लगाते हैं। इसीलिए भरोसा तो कीजिए पर सावधानी के साथ, कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। जिंदगी में इतने बिजी रहिए कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे तुम्हारी जिंदगी उतनी जल्दी बेहतर बन जाएगी। खामोशी से तू बस अपना काम कर, तेरी काबिलियत में अगर दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में अब शोर मचाने के लिए। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी नफरत मत करो। अरे ये तो वही लोग हैं जो तुमको खुद से बेहतर समझते हैं। कितना अजीब होता है ना ये इंसान भी, जब हम गलत होते हैं तो समझौता चाहते हैं, जब दूसरे गलत होते हैं तो हम न्याय चाहते हैं। अरे भूल होना तो प्रकृति है, उसको मान लेना संस्कृति है, लेकिन उसको सुधार लेना ही असली प्रगति है। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का चेहरा प्रकृति की देन होता है, 30 वर्ष की आयु का चेहरा जिंदगी के उतार चढ़ाव की देन होता है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति के अपने कर्मों का चेहरा होता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारो और हमेशा ये बात याद रखो कि हर दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे एक सुख का सवेरा होता है। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।